हमारे गांव में बाहर वालों का आना मना है। अरे यार, धातु के पुतले तो बोलते भी हैं। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम जरूरी संदेश लेकर आए हैं। ये? इसका मतलब ये बच्चे इन धातु के पुतले को काबू कर रहे थे। बहुत हो गया, जल्दी दरवाजा खोलो, हमें भूख लगी है। वाह, कितना प्यारा है, रुको इधर आओ। अरे आ...
बात है। ओ, चिंता मत करो, उसने प्रणाली को शुरू किया है। ओ हाँ, पृथ्वी, बच के रहना। बाल बाल बच गए, जल्दी निकलो यहाँ से ज्वाला। रुक जा। लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। रक्षा करते आ रहे हैं, वो भी यंत्र की बदौलत। हम उन्हें यहाँ नहीं आने देंगे। लेकिन गुरुजी, आप सही हैं, लेकिन तीन में से दो जादुई चीजें दुश्मन के हाथ लग चुकी है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। तो फिर मेरे साथ चलो और उस यंत्र को देख लो, फिर शायद तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाए। रक्षा प्रणाली देख ली है, मणि रखने के लिए इससे बढ़िया जगह दूसरी हो ही नहीं सकती। अगर ये बात है तो राजकुमार धर्म और बाकी साथियों के पास चलो। ठीक है। सेन साहब, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखना।
राक्षस। तुम कुछ मामूली योद्धाओं को तो हरा नहीं सके, पता नहीं ड्रैगन को जगाने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मालिक ने तुम्हें कैसे दे दी। तुम किसी काम के नहीं। वो मणि लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, तुम लेकर आई हो क्या? ये लो मणि, अब तुरंत उस ड्रैगन की गुफा में जाओ और मौत के तूफान को नींद से जगाओ, और इस बार मालिक को निराश मत करना। क्या करना है अब तुम मुझे सिखाओ। लड़की ने ही चुराया है जो तुम्हारे साथ आई थी, इस बारे में तुम कुछ सफाई देना चाहोगे? मेरे नजदीक मत आना। दानव सेना महुआ गांव पर हमला करने गई है, आप मेरे साथ चलो और मेरे गांव की रक्षा करो। इसका मतलब वो चोरनी इस गांव की नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं, हमने उसे पहले कभी गांव में नहीं देखा। उसने हमें धोखा दिया है, वो जरूर अग्निसुर की सिपाही होगी। चलो उसका सफाया करें। सैनिकों, रोको उसे। देखो
तरह उठा के फेंक देता हूँ। ये लकड़ी से बना है, इसलिए मेरा जादू इस पर काम नहीं करेगा। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन अब जादुई मणि चोरी होने के बाद तीनों लोगों में खतरा मंडरा रहा है, हमारा गांव भी सुरक्षित नहीं है। ये हमारी गलती है, हम दुश्मन को गांव में लेकर आए। नहीं, अपने आप को दोषी मत मानो। सुनो, हम अपनी सुर को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। चलो उससे धरती कवच लेकर आते हैं।